Hello everyone, I am Pushpa Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, मैं जान सकता हूँ कि आप सभी की नज़रें यहाँ पर हैं कि मैं इस फ़ोन के साथ अभी क्या कर रहा हूँ. बेसिकली अभी आपको पता होना चाहिए कि ICSE एंड एज वेल एज ISC का जो सेमेस्टर वन एग्जामिनेशन होने वाला था नवंबर 15 से, वो एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुका है. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द आई कार्ड, गो एंड वॉच द फुल वीडियो. बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे थे उनमें से मेजर जो 5 डाउट्स हैं, मेजर 5 डाउट्स जो हर किसी को कहीं ना कहीं है, उसका आज हम सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं. ठीक है, आपको बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन बताएंगे और आपका मेनली एक माइंड को मैं बहुत अच्छे तरीके से कूल डाउन करने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले यार आपको बता दूं कि डोंट बी पैनिक इन दिस सिचुएशन. आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है. बहुत ही मानते हैं थोड़ा सा अलग बात हो गया कि सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम सामने आने वाला है, बट स्टिल आप अपने आप को कूल डाउन कीजिए और बेटर अपने आप को लगाइए प्रिपरेशन के लिए. चलिए, आपके लिए मैंने क्या किया है कि जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने इस पेपर में लिख के रखे हुए और एक एक करके मैं आपको उनका सॉल्यूशंस भी बताते जाऊंगा. सबसे पहला जो क्वेश्चंस है कि जैसे कि अभी सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम जब पोस्टपोन हो चुका है, तो अब न्यू डेट क्या हो सकता है या एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि हमारा सेमेस्टर वन का एग्ज़ाम आ सकता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपका सेमेस्टर वन बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होता है तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट सेमेस्टर टू एग्जामिनेशंस जो आपका ऑलमोस्ट यार फरवरी या मार्च में होने वाला है. तो अगर सेमेस्टर वन बहुत लेट होता है तो फिर सेमेस्टर टू के लिए बहुत कम टाइम लगेगा. देखो, इसका आंसर ये है कि अगर आप CBSE की तरफ फॉलो करते हो, क्योंकि ऐसा हमेशा देखा गया है, मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऐसे एक्सपीरियंस किया कि वॉट एवर CBSE डज ऑलमोस्ट लाइकली ICSE ऑल्सो डज द सेम थिंग. तो जैसे CBSE का जो एग्ज़ाम है वो आपका 30th of November से स्टार्ट होने वाला है, सो मोर और लेस आई थिंक कि ICSE भी उसी पैटर्न को फॉलो करेगा और ऑलमोस्ट दिसंबर की स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की संभावना है. ठीक है, दिस इज नॉट ऑफिशियल, दिस इज माय ओपिनियन. ओके, सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, विल एग्जाम बी ऑफलाइन और ऑनलाइन. ये क्वेश्चन तो मानो मतलब कि भर गया पूरा, एक बारिश की तरह पूरा बूंदे हर तरफ कहीं ना कहीं से गिर रही है कि एग्जाम से अब ऑफलाइन मोड में होंगे कि ऑनलाइन. देखो, अगर आप फिर से वही बात है कि CBSE की तरफ देखो, ठीक है, तो उन्होंने जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न रखा है दैट इज़ स्कूल बेस्ड एंड OMR बेस्ड एग्जामिनेशन. इस पर मैं एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को थ्रू फॉलो करते हो, ठीक है, अगर आप फॉलो थ्रू करते हो मेरे चैनल को, तो यार मैंने जब ICSE ने बताया कि आपको सेलेक्ट करना है कि होम बेस्ड होना चाहिए या स्कूल बेस्ड, तो मैंने अपना ओपिनियन रखा था. मैंने कहा था ना होम बेस्ड चाहिए ना स्कूल बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बेसिकली हो रहा था कि आपको डिवाइस लेके स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न था, बिकॉज नॉट एवरीवन हैज दैट मच कैपेसिटी कि वो बहुत ही अच्छा फ़ोन रख सके या बहुत अच्छा लैपटॉप रख सके. तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था OMR शीट का. मैंने ये काउंसिल से रिक्वेस्ट भी किया था कि OMR शीट से लीजिए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो. तो उसके बाद अभी जब मैं वीडियो बना रहा, तो येस्टरडे आपका एक न्यूज़ आया था CBSE की तरफ से कि उनका डेट शीट भी आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि OMR बेस्ड एग्जामिनेशन. और अभी नेक्स्ट डे आफ्टर द CBSE हैज अनाउंस्ड डेट शीट, नेक्स्ट डे आज ICSE ने ऑलमोस्ट पोस्टपोन कर दिया. तो ये बेसिकली आपका क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो एग्ज़ाम्स है ऑफलाइन होने के ज़्यादा चांस है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, ठीक है, और OMR बेस्ड होने जाना चाहिए. ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा पॉइंट अभी आपको फोर्थ क्वेश्चन में पता चलेगा, वो क्या मैं आपको बताऊंगा. थर्ड क्वेश्चन था कि MCQ टाइप एग्जाम रहेगा या सब्जेक्टिव एग्जाम रहेगा. तो देखो यार, ये तो 99% मेरे ख्याल से सबको क्लैरिटी हो गई कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये बेसिकली MCQ टाइप का ही रहने वाला है. मोड पे डिपेंड करेगा कि ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा. ठीक है, MCQ होगा, आई थिंक 99.9% श्योर कि MCQ टाइप का ही होगा. फोर्थ बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था. क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसमें कि अभी जैसे कि हमें पता था कि सेमेस्टर वन एग्ज़ाम जो है वो MCQ टाइप का होने वाला और 15th of November से स्टार्ट होने वाला है, तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बुक्स वगैरह परचेज किया. अब उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा डर आ गया है कि क्या ये जो बुक्स हैं क्या ये हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर जो उन्होंने परचेज किया है ताकि वो एक अच्छे मेहनत कर सके और अपना प्रैक्टिस कर सके, विल इट बी वर्थ और नॉट. तो यार पहली बात तो मैं इस पर क्लियर कर दूं कि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको आंसर दिया कि आपका MCQ टाइप का
ये रहने वाला है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। और यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये क्या है, ये है ओसवाल बुक्स की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया कंबाइंड सैंपल पेपर का एक बहुत ही अच्छा बुक आया है। इसमें स्पेशलिटी क्या है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको अभी पता चल गया होगा कि अब आपका जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट ऑफलाइन होने वाला है, प्लस OMR बेस्ड होने वाला है। OMR बेस्ड समझते हो, ठीक है। तो उस टाइप का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस बुक की स्पेशलिटी क्या है, पहली बात तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के पांच पांच सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जिसमें से दो सॉल्व है, प्लस तीन जो है उसमें आपके लिए एक सेल्फ असेसमेंट है। सभी के आंसर्स एक्सप्लेनेशन दिए हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्वेश्चंस भी लाजवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेन बात यहाँ पर क्या है कि पांच सैंपल पेपर्स है और हर एक सैंपल पेपर के साथ आपको एक OMR शीट मिलता है। मतलब कि आपने एक सैंपल पेपर को सॉल्व किया, उसके बाद उसका OMR शीट है, मतलब आप जो आंसर है वहां पर आप सर्कल कर सकते हो। सो आई थिंक एट दिस सिचुएशन दिस इज द परफेक्ट बुक। अगर मैं इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो इंग्लिश पेपर वन, इंग्लिश पेपर टू, हिस्ट्री एंड सिविक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको इस कंबाइंड बुक में मिल जाते हैं। प्लस इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में पांच पांच सैंपल पेपर्स मिलते हैं और हर एक के साथ आपको OMR बेस्ड भी मिलता है शीट, जो कि मेरे ख्याल से इस सिचुएशन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अभी जैसे कि इस बुक में जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 600 है, लेकिन मैंने जब आपके लिए Amazon पे देखा था इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 500 है। तो बेसिकली ये हायर रेंज हो गया, 600 एटमोस्ट है। बट बेसिकली अगर आप दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो, बेसिकली यहाँ से अगर आप क्लिक करके आप बाय करते हो, तो बेसिकली क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स ऑब्वियसली मिलेगा। और बेसिकली यार ये जो सीनेरियो अभी जो क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, दिस बुक इज द परफेक्ट बुक। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लस आपको OMR बेस्ड मिलता है, जो कि एक हिसाब से पूरा सिचुएशन की तरफ आपका मैच कर रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट एग्जाम का डेट कब आएगा, ठीक है। तो बेसिकली डेट शीट कब आ जाना चाहिए आपका, देखो अब एक्चुअली जैसे की बात है कि 38 नवंबर एक हिसाब से अराउंड इस टाइम हो सकता है आपका एग्जाम। तो डेट शीट है, जो डेट शीट होना चाहिए वो अराउंड आपका एक वीक, मतलब इसी वीक के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट करेंगे तो फिर से दिक्कत ही होगी। बिकॉज हमें ही पता होना चाहिए कि हमारा कब से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, कब कितने टाइम से होगा, सुबह कितने बजे से होगा, ताकि हम लोग अपने आपको मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे, फिजिकली भी प्रिपेयर करेंगे उस कंडीशंस के हिसाब से। आई होप कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा आपको एंड में कि पैनिक बिल्कुल मत होइए, आराम से इस टाइम को जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इसको यूटिलाइज कीजिए। और एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ओसवाल बुक्स है इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आई थिंक इट विल बी वर्थ बाइंग इट। ओके, सो रखते हैं इस वीडियो में इतनी तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कोई डाउट या कंसर्न है सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो रखते हैं इस वीडियो में इतनी तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।